पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बैठक का आयोजन अंबेडकर पार्क में किया गया, जिसमें पदाधिकारियों द्वारा सरकार के सौतेले व्यवहार के चलते हुए पेंशन को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण शिक्षकों में काफी रोष दिखाई दिया, जिसके बाद से शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली को बहाल करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि बीते दिनों की संघ द्वारा लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद से शिक्षा के अधिकारियों ने पेंशन बहाली की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब तक पेंशन बहाल नहीं हुई है। शिक्षकों में काफी दोष देखने को मिला। शिक्षकों का कहना है, बुढ़ापे में पेंशन ही तो हमारा सहारा थी, जिसको सरकार ने हमसे छीन लिया है। अगर हमारे बच्चे हमें घर से बाहर निकाल देते तो हम किसके सहारे जिएंगे। सभी समस्याओं को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा लगातार प्रयास जारी है, कभी न कभी तो सरकार उनकी मांग पर ध्यान देगी और पेंशन को बहाल करेगी। बैठक को सफल बनाने में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जो इंटरमीडिएट कॉलेजों का संघ है, इसमें साबित टीचर और वित्तहीन टीचर सभी शामिल हैं। इसमें सरकार से हम पुरानी पेंशन योजना की मांग के लिए कई चरण में वार्ता कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमेशा कुछ ना कुछ कहकर के टाल देती है। तो इसी संदर्भ में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 8 मार्च से जो मूल्यांकन होने जा रहा है, उसका बहिष्कार करने का निर्णय किया है। वो बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जिले स्तर पर बैठकें चल रही हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है, कॉलेजों में लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए मूल्यांकन बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें आप हमारा सहयोग कर रहे हैं।